जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि यौम आज़ादी के मौके पर मीर शकीलुर रहमान की गैरकानूनी गिरफ्तारी अफसोसनाक है। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप 5 माह से जारी है। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान को यौम आज़ादी पर भी पाबंद सलासल रखना अफसोसनाक है। मीर शकीलुर रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। शेखुपुरा में जश्न आज़ादी की रैली से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा, जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को आज़ादी दिलवाना पूरी कौम का मुतालबा बन चुका है। पेशावर में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे में सहाफी शरीक हुए। मुजाहरीन ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। क्वेटा मुजाहरे में जियो न्यूज के कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहरीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। बहावलपुर में 73वें यौम आज़ादी के मौके पर सहाफियों ने मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शरीक सहाफियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ साथ मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई के लिए भी नारेबाजी की। नवाब शाह में मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ ताजरों और सिविल सोसाइटी ने मोहिनी बाजार में एहतजाज किया।